जन जन की आवाज़ जैन भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं राशिका बजाज और अभी मैं मौजूद हूँ अपर बाज़ार की एक दुकान में, जहाँ पर अभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जो बैन कर दिया गया है, उसके बाद भी इतने धड़ल्ले से ये प्लास्टिक जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक ये सामान बिक रहा है। और अभी भी आप हमारे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी सारा सामान है। वहीं अभी हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। ये बंद हो जाने के बाद भी बिक रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम देखिए, सब में तो प्लास्टिक यूज है, पैकिंग भी प्लास्टिक है, चाउमीन लीजिएगा पैकिंग है कि नहीं है बताइए। सब में पैकिंग तो कैसे कौन सी बेचेंगे बताइए, खुला बिकेगा बताइए? सिंगल यूज़ नहीं है, सिंगल यूज़ तो अभी का टाइम में देखिए बिना प्लास्टिक का कुछ चीज़ यूज़ नहीं होता। टेप भी आता है बच्चे लोगों को कॉपी कवर करने के लिए, उसमें भी टेप प्लास्टिक का होता है कि नहीं होता है, तो फिर बैंड क्या चीज़ किया जाए? अब आदमी तो चाय का प्याली बेच रहा है कागज़ का है, टिश्यू पेपर भी है कागज का है, चाय का कप हो गया, थाली हो गया, सब तो कागज की यूज कर रहा, तो कहाँ आपको प्लास्टिक दिख रहा है? लेकिन सिंगल यूज पे तो बैन लगा है ना? हाँ तो मैम देखिए, एक बैग मैम पूरा सील नहीं होता माल, ठीक है? अब जो है तो उसको तो हटाइए रहा है, अब बोलिएगा एक ही बार पूरा हट। अब हम लोग पूंजी लगाए हैं रीजन, ठीक है पूंजी लगा, उसको तो पैसा फंसा हुआ है, हम उसको भी तो निकालना, अब एक बार सरकार गिरा देगा तो हम लोग थोड़े बचा के रखेंगे। जनता तो अभी अभी आप ही को सस्ता मिलेगा मैम, तो आप खुद आइएगा, ठीक है? जनता तो सियोर आना, जनता आई है आएंगे। अभी आप ही को मान लीजिए एक पेपर का रेप मिलेगा आपको 50 रुपये में, वही प्लास्टिक वाला मिलेगा 25 रुपये में, आप पहुँच के आइएगा कि वहाँ सस्ता मिल रहा है। आजकल पब्लिक क्या खोजता है? सस्ता, कुछ चीज़ में भी थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है तो पब्लिक दौड़ के जाता है। आइए कहीं इस दुकान के जो मालिक हैं उनसे भी बात करेंगे कि इससे आपको कितना नुकसान भुगतान करना। नुकसान तो हो ही रहा है क्योंकि माल वाल भी बहुत सारा डिस्पोज करना पड़ा, इधर उधर करना पड़ा, क्योंकि बिकना तो है नहीं, अब बैन लग गया है, तो देखते हैं अब क्या किया जा सकता है क्योंकि इसके बिना तो ऑप्शन है नहीं। मेन आइटम जो कचरा फैलाता है वो है कन्फेक्शनरी का आइटम, 23 या 22% समथिंग फैलाता है, और ये डिस्पोजेबल का आइटम है वो 7 या 8% के आसपास फैलाता है। तो सिर्फ डिस्पोजेबल में ही ज़्यादा ध्यान दिल, मतलब क्या बोलते हैं, ध्यान दिलवाया जा रहा है, बाकी कन्फेक्शनरी आइटम में कुछ नहीं बोला जा रहा, तो ऐसा क्यों है? तो दुकान तो खोलना ही है, पेपर का आइटम तो बेचना ही है, दुकान तो खोलना ही पड़ेगा, पेपर का आइटम तो बिकेगा ही। जो सहयोगी थे उनसे भी बात किया कि ये जो प्लास्टिक है ये धड़ल्ले से बिक रहा, पर इनका कहना है कि अगर हमारे पास सामान है तो हम दुकान बंद कैसे कर सकते हैं, और लोगों को अगर सस्ते में ये चीज़ मिलेगा तो लोग ज़रूर आएंगे, वो दोनों और ये सबको छोड़ करके ये सस्ते में मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स इसको लेने के लिए यहाँ पर आएंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। रांची से सहयोगी शिखा श्रेया के साथ मैं राशिका बजाज, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।